खाली घर में है लोहे का बंदा। तो गाइस कैसे हो आप सब, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके मिनी चैनल फिल्मी बॉक्स ऑफिस पर। तो बात करेंगे आज इस वीडियो में इंडियन सिनेमा की एक और अपकमिंग बिग बजट फिल्म जिसका बजट 500 करोड़ प्लस बताया जा रहा है। और आपको यकीन नहीं होगा कि इस फिल्म के प्रमोशन पर इतना पैसा खर्च किया गया है कि इतने में दो या तीन फिल्म बनके तैयार हो जाती है बॉलीवुड की। जी हाँ, अब ऐसे में बात करें फिल्म को लेकर, तो फिल्म में आपको इंपॉर्टेंट रोल्स में नजर आएंगे जाने माने बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन, और इनके अपोजिट फीमेल लीड में नजर आ रही है आलिया भट्ट। इतना ही नहीं, इनके अलावा नजर आएंगे साउथ इंडियन एक्टर यंग टाइगर जूनियर एनटीआर, और वहीं इनके अलावा नजर आएंगे मेगा पावर स्टार राम चरण। इन दोनों की जोड़ी काफ़ी जमेगी और दोनों दोस्त के तौर पर नजर आ रहे हैं। अगर बात करें इनके किरदार को लेकर, तो ये दोनों किरदार प्ले कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी यानी कि फ्रीडम फाइटर। इनके नाम जो हैं वो है कुंभा राव भीम और रामा राजू। इस फिल्म के अंदर दोनों के रामचरण और जूनियर एनटीआर के डायरेक्शन दिए फिल्म को जाने माने डायरेक्टर बाहुबली फिल्म के डायरेक्टर एसएस राजामौली ने। अब ऐसे में बात करें फिल्म के क्रेज़ को लेकर और इसके कलेक्शन को लेकर, तो आपको हर चीज़ हैरान करने वाली है कि इस फिल्म की एडवांस बुकिंग 3 या 4 दिन पहले से शुरू हो चुकी है और ये फिल्म अभी से ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग ओपनिंग ले रही है। सबसे पहले बात की जाए फिल्म की नंबर ऑफ स्क्रीन्स को लेकर, तो आपको बता दूँ ये अकेली फिल्म 5 से 6 हज़ार स्क्रीन्स पर रिलीज़ हो रही है ओवरसीज मार्केट में, जो कि इंडिया के लिए सबसे बड़ी बात है अगर देखा जाए तो। इतना ही नहीं, इंडिया में भी इस फिल्म को 7 से 8 हज़ार स्क्रीन्स पर रिलीज़ किया जा रहा है, यानी कि आप कह सकते हो इस फिल्म को ओवरऑल टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से तकरीबन 14 से 15 हज़ार स्क्रीन्स पर रिलीज़ किया जा रहा है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आप कह सकते हो ये फिल्म एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिल्म होने वाली है आने वाले टाइम की, जो कि रिलीज़ होने जा रही है 25 ऑफ मार्च को। तो आपको क्या लगता है कि फिल्म कितने करोड़ की ओपनिंग लेगी? तो चलिए गाइस जानते हैं इस फिल्म ने अभी तक कितना कलेक्शन कर लिया है और क्या चांसेस हैं कि कितना कलेक्शन करेगी। अगर आप भी डाई हार्ड फैन हो किसी के भी, चाहे रामचरण के, अजय देवगन के, जूनियर एनटीआर के, या फिर फिल्म के डायरेक्टर एस राजामौली के, जो कि हर सिंपल चीज़ को एक अलग तरह से बोलते हैं ना, क्रिएट करने का तरीका जानते हैं। वेल चलिए जानते हैं ये फिल्म कितना कलेक्शन कर चुकी है। वेल आपको बता दूँ, जिस दिन इसकी एडवांस बुकिंग चालू हुई थी उसी दिन इस फिल्म ने कुछ ही घंटों के अंदर हिंदी वर्जन से 1 करोड़ की बम्पर ओपनिंग एडवांस बुकिंग के मामले में ले ली थी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इतना ही नहीं, हैदराबाद सिटी जहाँ पर इसकी एक टिकट खरीदी जा रही है 5 हज़ार तक, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है, और इससे पहले जो खरीदी गई थी वो खरीदी गई थी 2 से 3 हज़ार तक की, किसकी, 2.0 और बाहुबली जैसी मूवीज़ की। अब बात की जाए फिल्म के कलेक्शन को लेकर, तो आपको बता दूँ एडवांस बुकिंग के मामले में ये फिल्म हैदराबाद सिटी से ही 8 से 10 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर रही है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अभी पूरे 2 दिन बाकी है फिल्म को रिलीज़ होने में, और यकीन मानिएगा जब तक ये फिल्म रिलीज़ होगी न जाने कितने का कलेक्शन ये फिल्म कर चुकी होगी। वहीं बात करें फिल्म के अभी तक के टोटल एडवांस बुकिंग कलेक्शन को लेकर, जो कि इंडिया से हो चुका है तकरीबन 14 करोड़ रुपये, तो वहीं ओवरसीज मार्केट से ऑल ओवर ये जो कलेक्शन हो चुका है फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से एडवांस के मामले में, वो हो चुका है 40 करोड़ प्लस। जी हाँ, फिल्म अभी 40 करोड़ का एडवांस बुकिंग से कलेक्शन कर चुकी है, जो कि बॉलीवुड फिल्मों से कहीं ज़्यादा है। तो इस बेसिस पर मैं आपको कह सकता हूँ कि फिल्म हिंदी वर्जन में ही जहाँ पर इसको 3400 से 3500 स्क्रीन्स पर रिलीज़ किया जा रहा है इंडिया के अंदर, तो डैट मीन्स ये मान के चलना ये फिल्म 15 से 20 करोड़ की ओपनिंग ले सकती है इंडिया के अंदर। वहीं पर ये फिल्म अपने इंडिया के अंदर एडवांस तो नहीं, लेकिन फर्स्ट डे जो कलेक्शन रहेगा फिल्म का, कम से कम वो 100 करोड़ क्रॉस जा सकता है। तो वहीं पर ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से ज़्यादा भी नहीं तो 150 करोड़ कमा सकती है। इतना इस फिल्म में पोटेंशियल है, स्टोरी लाइन है, आपने देखा होगा सभी सॉन्ग्स और सभी इसके जो ट्रेलर्स हैं काफ़ी बेहतरीन रहे, हर चीज़ को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आपकी ओपिनियन क्या है फिल्म को लेकर? आपके हिसाब से फिल्म का कलेक्शन क्या रहेगा? 100 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़ पहले दिन का क्या रहेगा? कमेंट में आप मेंशन कर सकते हो। और इतना ही नहीं, आपके हिसाब से फिल्म क्लोजिंग कलेक्शन क्या रहेगा हिंदी वर्जन से प्लस ऑल टाइम, यानी कि ओवरऑल कलेक्शन क्या रहेगा? 1.5 हज़ार, 2 हज़ार, 2.5 हज़ार, कितने करोड़, कमेंट में बताना मत भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, टेक केयर।